नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हमीरपुर। सरकारी स्वास्थ्य सेवा हुई बीमार, सड़क किनारे कराया गया प्रसव, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। एम्बुलेंस को फोन नहीं लगने के कारण महिला का हुआ सड़क किनारे प्रसव, बार बार फोन लगाने के बावजूद नहीं पहुंची एम्बुलेंस। जनपद हमीरपुर में यह पहला मामला नहीं है जब समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अभी लॉकडाउन सीजन में 5 एम्बुलेंस होने के बाद भी एम्बुलेंस सेवा नहीं मिलने के कारण नाबालिग लड़की की मौत हो गई थी। आज प्रसूता के पति और परिजनों द्वारा एम्बुलेंस को फोन लगाने के बाद भी फोन नहीं लगा तो रास्ते में महिला का प्रसव कराना पड़ा। मौके पर रास्ते से गुजर रहे समाज सेवी यादवेंद्र यादव ने किसी तरह से अपनी गाड़ी से सरीला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उक्त मामले में सीएमओ हमीरपुर ने बताया कि उन्हें पहले घर से निकलना चाहिए था। महिला का दूसरा बच्चा है जो आमतौर पर जल्दी हो जाता है, यह लोग घर से देर में निकले हैं। वहीं जिलाधिकारी ज्ञानेश्वर त्रिपाठी ने जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई की बात की है। हमारे बनवा के हैं रहने वाले, डिलीवरी होने थी हमारी बच्ची की। हमने इसका फोन करो गाड़ी वाले से, जी नहीं पहुँचे घर हाथी से। हमने निजी साधन करो, बस साधन हमारा हो बीच रास्ता में खराब, तो हमारे बच्ची का थोड़ी देर हमने निगाओ और निगा के बीच रास्ता में डिलीवरी हो गई, इनकी गाड़ी नहीं पहुँची। फिर हमने फोन लगाया, अब हमने एप्लीकेशन बनाओ, वीडियो बनाओ हमें लड़कन ने, हमने बनाओ, अब हमारे लड़कन को फंसवा रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं। महंगा क्या समस्या हो गई? सिस्टर की डिलीवरी थी, सुबह से फोन लाया तो वो एम्बुलेंस नहीं आई। फिर मैंने निजी का वाहन करके लाया तो मंगरौल के बाहर गाँव गाड़ी खराब हो गई। फिर मैं एक मंगरौल गांव में गया, उससे यादव जी से गाड़ी लाई कि सही तक छोड़ दो, जब तक डिलीवरी हो चुकी थी। मेरी माता और चाची ने और एक नर्स MM है थी, उसने डिलीवरी करा दी। फिर इसके बाद काफ़ी देर बाद एम्बुलेंस आई, फिर ले गई अस्पताल। यादवेंद्र यादव कहाँ के रहने वाले हैं? मंगरौल के। क्या समस्या हो गई? समस्या ये हो गई, अब इनकी बहन की डिलीवरी होनी थी, ये बंडवा से अपनी निजी की गाड़ी लेकर के आए थे। इन्होंने 108 और 102 नंबर एम्बुलेंस को फ़ोन किया था, जब वो उपलब्ध ना हो सकें तो ये अपनी निजी की गाड़ी लेकर के ग्राम मंगरौल के बाहर गाँव एक नाला पड़ता है, वहाँ पर इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। ये हमें फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने के बाद जब हम अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचते हैं तब तक डिलीवरी हो चुकी होती है। डिलीवरी हो जाने के तुरंत बाद हमने फिर से फ़ोन किया और 102 नंबर एम्बुलेंस पहुँचती है, मरीज को सरीला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में। जच्चा बच्चा दोनों भर्ती हैं, अभी दोनों की हालत ठीक है। आपने एम्बुलेंस को सुबह कितने बजे फ़ोन किया घर से? सुबह फ़ोन किया था करीब 6-7 की लगभग। तो ये मतलब डिलीवरी लगभग कितने समय हुई? डिलीवरी करीब 7:30-8 बजे का टाइम रहा होगा, 8:30 का। एम्बुलेंस तब तक नहीं मिली? 1-2 घंटे करीब। तो यहाँ से सरीला की दूरी कितनी है बंडवा की? 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। फिर भी एम्बुलेंस नहीं मिली? फिर भी एम्बुलेंस नहीं पहुँची। 40 के बीच में जो प्रसव प्रक्रिया चली उसमें महिला का प्रसव करा दिया आशा ने, और 8 बजे एम्बुलेंस आई, उसने उसे ले जाकर सरीला CSC में एडमिट कराया है, जहाँ पे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इसमें प्रथम दृष्टया फ़ोन कनेक्ट होने में 102 और 108 का फ़ोन कनेक्ट होने में दिक्कत आई है, और जब फ़ोन कनेक्ट हुआ है तो वहाँ से कमांड के द्वारा जो ये बताया गया कि अभी आधे घंटे में पहुँचेगी, लेकिन एम्बुलेंस आधे घंटे के भीतर नहीं पहुँची है। इस संबंध में कार्रवाई हेतु शासन को आख्या प्रेषित की जा रही है। मकरौल और बंडवा, बंडवा इनका गांव है, मकरौल के बीच में इनको फिर दर्द शुरू हो गए हैं। इनके पास कोई साधन था फोर व्हीकल, उससे ये चले हैं, तो इसके बाद इनको दर्द और बढ़ गया और गाड़ी भी खराब हो गई इनकी। गाड़ी जब खराब हो गई तब फिर इन्होंने 7:22 से 7:35 के बीच में इन्होंने फिर फ़ोन लगाना शुरू किया है 108 एम्बुलेंस को। उसके बावजूद 108 एम्बुलेंस को अभी ये पता किया जा रहा है कि फ़ोन लग पाया या नहीं लग पाया, संभवतः फ़ोन लग नहीं पाया। और उसके बाद वहीं रास्ते में इनकी डिलीवरी 7:40 की से लेके 7-8 बजे के बीच में हो गई है। रास्ते में डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद फिर उन्होंने फिर 108 को फ़ोन लगाया है,
या जो 100 जो फोन पहले से लगा रहे थे उसी में गाड़ी आ गई है, 8 बजे तक गाड़ी पहुंच गई है वहाँ पर, और फिर जच्चा बच्चा दोनों को लेकर सहेला हॉस्पिटल आए हैं जहाँ पर दोनों लोग सुरक्षित हैं, और साथ में आशा भी बराबर लगी रही है उनके साथ। तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो इन्होंने बहुत लेट से बहुत देरी से। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।